हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप्स बायोलॉजी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ पीएच के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड एंड एक्सप्लेन करूँगा कंसेप्ट ऑफ पीएच। एंड हम देखेंगे कि यहाँ पर पीएच कैलकुलेट करते वक्त हम नेगेटिव लॉग क्यों लेते हैं। बाद में देखेंगे पीएच की डेफिनेशन। एंड हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहां पर ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन काफी लो होता है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो वो होता है करीब इस रेंज में 46 नैनोमोल पर लीटर टू 35 नैनोमोल पर लीटर। तो कुछ इस रेंज में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर नैनो मीन्स 10^-9। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 46 × 10^-9 मोल पर लीटर। अगर हम पॉइंट को कुछ इस तरह से आगे ले ले तो हम 0.46 × 10^-7 मोल पर लीटर। एंड अगर हमें कुछ इस तरह से लिखना है तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का ब्लड में जो कि काफी लो कॉन्सेंट्रेशन है। एंड यहां पर भी नैनो मीन्स 10^-9। तो यहां पर भी हम 35 × 10^-9 मोल पर लीटर लिखेंगे। एंड अगर हम इस तरह से लिखना है हमें यहाँ पर 0.35 × 10^-7 मोल पर लीटर। हमने पॉइंट को दो डिजिट्स आगे ले लिया है इसलिए 10^-7। एंड यहाँ पर हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 0. तो इतना स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन्स का ब्लड में। तो ये स्मॉल वैल्यू से डील करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए डेनिश केमिस्ट सोरेंसन ने 1909 में इंट्रोड्यूस किया पीएच को। तो डेनिश केमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया पीएच को 1909 में। सोरेंसन ने क्या किया कि ये स्मॉल वैल्यू से डील करना काफी मुश्किल था, इसलिए सोरेंसन ने इस वैल्यू का लॉग लिया, बेस 10 लॉग लिया। तो यहां पर अगर हम बेस 10 लॉग लेते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का तो कुछ इस तरह से होता है यहां पर। एंड ये वैल्यू का अगर हम बेस 10 लॉग लेंगे तो आंसर मिलेगा हमें, ठीक है, बेस 10 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन तो हमें आंसर मिलेगा -7.34। तो यहाँ पर इस वैल्यू का लॉग होता है -7.34। अभी यहाँ पर माइनस वैल्यू ओवरकम करने के लिए सोरेंसन को लगा कि हम क्यों माइनस वैल्यू से डील करें, नेगेटिव वैल्यू से क्यों डील करें। तो नेगेटिव वैल्यू ओवरकम करने के लिए सोरेंसन ने दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड अगर यहाँ पर भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए +7.34। एंड सोरेंसन ने इस नेगेटिव बेस 10 लॉगरिथम को कहा पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
तो यहां पर शॉर्ट में इसे कहा जाता है पी एंड एच। तो नेगेटिव बेस 10 लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को सोरेनसन ने कहा पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड इसे शॉर्ट में कहा जाता है पी एच। तो यहां पर पी एच है प्लस 7.34। अगर हम ये साइड की पीएच कैलकुलेट करें, इस वैल्यू की पीएच कैलकुलेट करें, तो कुछ इस तरह से होगी। बेस 10 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड हम बेस 10 लॉग लेंगे इस वैल्यू का। तो यहां पर हम बेस 10 लॉग कैलकुलेट करेंगे, जो कि होता है नेगेटिव 7.45। तो इस वैल्यू का बेस 10 लॉग है नेगेटिव 7.45। अगेन यहां पर नेगेटिव वैल्यू ओवरकम करने के लिए हम दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें नेगेटिव बेस 10 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 7.45। तो हमें पॉजिटिव पीएच मिल जाएगी, एंड अगेन इसे कहा जाता है पावर और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि पीएच। तो यहां पर पीएच होती है 7.45। तो हमें यहां पर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लेते हैं नेगेटिव लॉग। तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू ओवरकम करने के लिए एंड पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो इसलिए हम पीएच कैलकुलेट करते वक्त नेगेटिव लॉग लेते हैं। अभी देखते हैं पीएच की डेफिनेशन। तो यहां पर पीएच की डेफिनेशन सिंपल है, इट इज नेगेटिव ऑफ बेस 10 लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कि है पीएच। एंड यहां पर एक और पॉइंट ये है कि इस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पीएच कैलकुलेट करते वक्त हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मोल पर लीटर यूनिट में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मोल पर लीटर यूनिट में, जो कि है मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अभी देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच के बीच में। तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सीएसआईआर नेट में एंड काफी सारी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट में, कि अगर पीएच एक यूनिट कम कर दे तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में क्या फर्क होगा, अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो पीएच में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 10 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो पीएच 1 यूनिट डिक्रीज होगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से पीएच 1 यूनिट डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाई 10। तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम इंक्रीज। तो यहाँ पर 10 रेस टू 1 होगा, एंड ये जो पूरा होगा 10 रेस टू माइनस 7 इंटू 10 रेस टू 1 इज इक्वल टू 10 रेस टू माइनस 6। तो 10 रेस टू माइनस 6 हो गया यहाँ पर, इसलिए हम 10 कम कर देंगे यहाँ से, एंड 10 यहाँ से भी कम कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी हम पीएच कैलकुलेट करें इस वैल्यू की, तो यहाँ पर नेगेटिव बेस 10 लॉग ऑफ दिस वैल्यू इज 6.34। तो पीएच एक यूनिट डिक्रीज हो चुका है, पहले था 7.34, अभी एक यूनिट डिक्रीज हो चुका है 6.34। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 10 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो पीएच डिक्रीज होती है 1 यूनिट। आप उल्टा भी कह सकते हैं, अगर आप पीएच 1 यूनिट डिक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज होता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स रिड्यूस कर दे, यानी कि 1/10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कर रहे हैं 10 टाइम्स, यानी कि 1/10 कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, तो पीएच एक यूनिट इंक्रीज होगी। चलिए देखते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा अभी यहाँ पर 10 रेस टू माइनस 8, एंड जैसे ये 10 रेस टू माइनस 8 होता है यहाँ पर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा एक जीरो,
पहले था 10^-7, अभी हो गया 10^-8, क्योंकि हमने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स रिड्यूस किया है। तो यहाँ पर भी एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा एंड ये वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं जो कि है पीएच, वो होगा 8.45 जो कि पीएच इंक्रीज हो चुकी है 1 यूनिट, पहले थी 7.45, जैसे ही हमने कॉन्सेंट्रेशन 1/10 कर दिया तो पीएच 1 यूनिट इंक्रीज हो गई। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम पीएच को 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स रिड्यूस होता है। तो ये था रिलेशनशिप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच के बीच में, और ये था पीएच का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।